छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में होने जा रहा है, जिसके दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने इस बार दो अनोखे मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसके बारे में निर्वाचन केंद्र के व्यवस्थापक अमिताभ शर्मा ने विस्तृत जानकारी ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को दी है। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसके दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को होना है। आज हम खड़े हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंप 1 भिलाई में, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इस बार निर्वाचन विभाग की तरफ से दो ऐसे अनोखे मतदान केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमें सूचना मिली है। एक है संगवारी मतदान केंद्र और दूसरा है दिव्यांग मतदान केंद्र। और नगर पालिक निगम भिलाई के जितने भी जोन हैं, उनके जो कमिश्नर हैं, उनको व्यवस्थापक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, व्यवस्था उन्हीं को देखनी है। ये जो दो नए प्रकार के जो मतदान केंद्र है, जो कि एक संगवारी है और दूसरा है दिव्यांग, ये क्या है, किस तरह से ये काम करेंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं व्यवस्थापक अमिताभ शर्मा जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं यह किस तरह से काम करेगा। आइए बात करते हैं व्यवस्थापक बने हुए जोन कमिश्नर अमिताभ शर्मा जी से। शर्मा जी, सबसे पहले ग्रैंड एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको इसे इलेक्शन महोत्सव में जो चुनाव की तैयारी चली उसके लिए यहाँ पे आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। शर्मा जी, इस बार हमने सुना है कि निर्वाचन विभाग की तरफ से दो अनोखे प्रकार के मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसका एक का नाम शायद संगवारी रखा हुआ है और दूसरा दिव्यांग। तो बताएंगे ये किस तरह से संचालित होगा और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्यों ये अलग है इसमें? नहीं, इसमें सभी जोन में और भिलाई और वैशाली विधानसभा के कुछ मतदान केंद्रों को सिलेक्ट किया गया है, जो संगवारी मतलब जिसमें लोग सुविधाजनक दृष्टि से उसको बनाया जा रहा है केंद्र को, जहां लोग बैठने की व्यवस्था छायादार स्थान होगा, उसे डेकोरेट करेंगे, वहां बैठने की व्यवस्था, अगर कोई मतदाता लाइन में है उसको लगता है कि यहाँ मैं कुछ भी वेट कर सकूं, तो उसके लिए वहां व्यवस्था रहेगी। और दिव्यांग में भी है कुछ मतदान ऐसे जहाँ दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता देते हुए अधिकांश है, वो एक केंद्र वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक दो मतदान केंद्र ऐसे जो जिसको सिर्फ यूथ बूथ बनाए हैं, जहाँ जो भी पोलिंग जो स्टाफ है वो यूथ को वहाँ रखा गया है। इस टाइप से कुछ नए पहल पहली बार चुनाव के माध्यम से किया जा रहा है। संगवारी मतदान केंद्र में हमने ये सुना है कि वहाँ पे जो स्टाफ होगा, निर्वाचन स्टाफ होगा, वो सारी महिलाएं होंगी, क्या ऐसा है कुछ? नहीं, जो संगवारी मतदान केंद्र तो सिर्फ एक बैठने की जगह है, वहाँ उससे कुछ महिलाओं को उसका मतलब नहीं है। बूथ जरूर कुछ बना जहाँ बूथ में महिलाएं रहेंगे, ये सिर्फ एक वेटिंग शेड है जहाँ सर्व सुविधा के लोग उनको शांति से बैठने के लिए छायादार स्थान होगा, उसे डेकोरेट कर रहे हैं। दिव्यांग मतदान केंद्रों के लिए भी हमको ऐसा कुछ पता चला था कि वहाँ का जो BLO है, जो स्टाफ है, वो सारे दिव्यांग होंगे। BLO को तो करीब करीब सभी बूथ में उपलब्ध रहेंगे और दिव्यांगों के लिए जो सुविधा है उसके लिए व्हील चेयर आदि की व्यवस्था भी वहाँ पे स्टॉल पे किया जा रहा है, ताकि कोई भी दिव्यांग अगर आते हैं तो कहीं भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। BSF के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका होगी इस चुनाव में? अब निर्वाचन में जो सुरक्षा व्यवस्था हो तो शासन के माध्यम से होता है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, BSF की भी, तो कहीं कहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो और एक अच्छे से हमारा जो ये चुनाव का पर्व है वो संपन्न हो, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है। क्या कुछ खास होगा, जैसे जो लोग यहाँ मतदान देने आएंगे, जो लोग मतदान देने आएंगे उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, इन सब चीजों को लेकर के क्या व्यवस्था होगी? यहाँ सभी बूथों में नगर पालिका द्वारा प्याऊ की व्यवस्था भी की जा रही है, जो मतदान पार्टी है उनके लिए भी वहाँ उनके जहाँ रुक रहेंगे वो कमरों में पानी मतलब जो भी आवश्यक सामग्री गद्दा तक किया उनको भी जरूरत पड़ती है, सभी की व्यवस्था निगम द्वारा इस बार की जा रही है, ताकि कोई बाहर से कर्मचारी आया है तो उसे यहाँ कोई दिक्कत ना हो। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि ज्यादा देर होने से वहाँ कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की जरूरत पड़ती है, किसी को चक्कर आ जाता है, कोई कुछ भी अनहोनी एक घटना हमने कई मतदान केंद्रों में देखा है, तो नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्र में जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? इसके लिए नगर निगम के द्वारा करीब करीब हर मतदान केंद्र में निगम के
कर्मचारी और जो स्कूल के भी स्टाफ है उनको भी निर्देशित किया गया कि वो तो मतलब मतदान दिवस को पूरे जब तक है सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक उपस्थित रहें, और इस तरह से अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए तत्काल नगर निगम के स्टाफ या और दूसरे भी हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट पर्सन हैं उनके माध्यम से हमें सूचित करें तो हम नगर निगम द्वारा फिर उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और ये जो दो नए मतदान केंद्र निर्वाचन आयोग की तरफ से जो बनाए गए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं इसका कितना प्रतिसाद मिलेगा। वो सरकार चुनाव आयोग की पहल है कि 100% मतदान हो, तो इस मंच के माध्यम से मैं भी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो शासन की मंशा है कि 100% मतदान हो उसमें सहभागी बने। दोस्तों ये थे नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 3 के कमिश्नर अमिताभ शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दो नए मतदान केंद्रों की स्थापना हो रही है, संगवारी मतदान केंद्र और दिव्यांग मतदान केंद्र, काफी अच्छी पहल है। देखना है कि इस चुनाव में जो 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसमें कितने प्रतिशत मतदान हो पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।